ईडी की रेड के बाद कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा दिए गए भाजपा से ऑफर वाले बयान ने झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है और इस पर अब भाजपा पलटवार करते हुए सवाल पूछ रहे कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अंबा प्रसाद को ऑफर दिया था कि हजारीबाग या फिर चतरा लोकसभा सीट से वो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े। उन्होंने साफ तौर पर भाजपा ने इस तमाम जो आरोप है इसे खारिज करते हुए आरोप लगाया कि ये तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसी बातों को ईडी की जो रेड हुई है उसे छिपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है ये तो तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो जानेंगे या फिर कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद, लेकिन इससे राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने साफ तौर पर इन तमाम आरोपों को खारिज किया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा आदित्य साहू ने। माननीय विधायक अंबा प्रसाद जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो बोलते हैं कि भाजपा करवा रही है, इन लोगों को पेट में दर्द होगा बुखार होगा तो भाजपा बोलेंगे भाजपा करवा रही है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि को अपना चाल चरित्र और चेहरा जरूर देखना चाहिए। विगत 15 वर्षों से बड़का गांव में इनके परिवार के लोग भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किस प्रकार से वहां के लोगों के द्वारा वहां आवाज उठाई जा रही है, किस प्रकार से वहां पर कोयले की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है। इन्हीं के लोग बालू जब अवैध कारोबार करते हैं, जब थाना में ट्रैक्टर को बालू से लदा ट्रैक्टर को थाने में पुलिस जब्त करती है तो गुंडे की एक सीमा होती है, इनके गुंडे थाने से उस बालू भरा ट्रक को जबरदस्ती छुड़ा करके ले जाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों ने मुझे चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया, तो इनको स्पष्ट करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए आखिर कौन वो लोग हैं, उसका नाम और चेहरा उजागर करने का काम किया। किसने कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आप चतरा हजारीबाग से होने का काम करें? यह स्पष्ट झारखंड की जनता जानना चाहती है, बड़का गांव की जनता जानना चाहती है कि आप पर किसने इस प्रकार का दबाव बनाने का काम किया है, उसका नाम आप सामने लाने का काम करें, उस व्यक्ति को सामने मीडिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। और जब ईडी का छापा पड़ रहा है उस पे पर्दा डालने किस प्रकार का नगल बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि को जरूर चिंता करना चाहिए कि जनता मुझे सेवा करने के लिए 5 साल का अवसर देती है, मुझे सेवा के भाव से जनता का काम करना चाहिए, न कि मेवा खाने के लिए जनता ने मुझे वोट देने का काम किया है, मुझे चुनने का काम किया है। तो सीधे तौर पर देखे तो जैसे ही अंबा प्रसाद ने ये बयान देर रात ईडी की टीम के वापस जाते हुए दिया, इसके बाद से लगातार जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ गई है और लगातार भाजपा अंबा प्रसाद पर हमलावर है और इसके अलावा पूरे कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर रही है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, भ्रष्टाचार की जननी है और यही कारण है कि इस तरह के बयान देकर इन तमाम चीज़ों को भटकाने की कोशिश करती है। हालांकि आखिर इसकी सच्चाई जब अंबा प्रसाद से सबूत भाजपा मांग रही है, अगर अंबा प्रसाद के पास उन तथ्य हैं, कुछ जानकारी है जिनसे उन्होंने संपर्क किया था, अंबा प्रसाद से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो साफ है कि मांग जो भाजपा की ओर से वो कर रही है कि उन तमाम चीज़ों को और दलीलों को आप सामने पत्रकारों के रखिए, मीडिया के सामने रखिए कि इन तमाम लोगों ने उन्हें इन 2 सीटों से किसी एक पर लड़ने का ऑफर दिया था, तभी मानेंगे कि आप सच बोल रही है। लेकिन अब आखिर क्या कुछ होता है इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा और लगातार जो बयानबाजी है वो जारी है। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।